हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 3 से 15 तारीख के अंदर मार्च महीने में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपको मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। एंड साथ में ही रीडिंग के एंड में एक ट्विस्ट है, आपको जो भी इंसान प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से कुछ लव मैसेजेस लेने वाली हूँ ताकि उस इंसान के दिल के फीलिंग्स को समझने में आपको और थोड़ा सा आसानी हो जाए इस बार। ओके, सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को अच्छे से देख सकते हो। सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आया है, नेक्स्ट यहाँ पर एट ऑफ कप्स आया है, फाइन, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम द डेक को चेक कर लेते हैं, जजमेंट का कार्ड है, ये आपका ही कार्ड है। ओके, मतलब कि तुला राशि का कार्ड होता है जजमेंट का कार्ड। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि डिवाइन बता रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिलने वाले हैं जो आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सो जजमेंट के थ्रू मुझे दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में ना एक नया सवेरा आने वाला है लव लाइफ के साइड से। आप कुछ नया करने वाले हो, आप कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हो मुझे दिख रही है। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर एक परिवर्तन, एक चेंज आप नोटिस कर पाओगे। एंड साथ में ये दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको दुआओं में मांग रहा है, बहुत टाइम से मांग रहा है, मतलब कि उस इंसान के जस्ट और कोई काम नहीं है, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड आपको मांगते रहते हैं डिवाइन से। तो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ आपका ना इस टाइम पर एक स्ट्रांग बोल्ड कनेक्शन बनने की चांस दिख रही हैं, या फिर अगर वो इंसान आपसे थोड़ा सा फिजिकली दूर रहते हैं तो मुलाकात होने की एक स्ट्रांग चांस दिख रही है। एंड सिर्फ मुलाकात नहीं होगा, बैठकर हो सकता है थोड़ी देर बातें भी हो जाए। तो ये जो कार्ड है जजमेंट का, ये कुछ नया शुरू होने की बात नहीं करता है। पुराने चीजें जो ओल्ड हो गए थे, जो एकदम से बोरिंग सा हो गया था ना, वही चीजें एक न्यू तरीके से एक नया रूप में स्टार्ट करने की बात करता है द जजमेंट का कार्ड। सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड साथ में वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। एंड लिब्रा की एनर्जी हाई दिख रही है यहाँ पर। सो यस, देखो फर्स्ट मुझे नज़र आ रही है कि अभी आप लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा दुख में हो। कुछ लोगों के लिए ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये बहुत ज़्यादा तरीके से ना आपके ऊपर हावी हो रही है धीरे धीरे से। कहीं ना कहीं आप कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ सिचुएशन को जस्ट पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। अभी आपके दिल में उतना ज़्यादा हिम्मत, उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रहा है कि आप चीज़ों को फेस करो एंड मुकाबला करो। सो देखो, अगर आप अभी किसी के ख्याल में डूबे हुए हो, किसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपका वेट जस्ट ख़त्म होने वाला है 3 से 15 के बीच में, क्योंकि कि आप इस टाइम पर अपने सक्सेस के, अपने गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचने वाले हो किंग ऑफ स्वर्ड्स के थ्रू। एंड मुझे दिख रही है कोई एक इंसान ऐसा भी है जो आपको लेकर परेशान है, आप सिर्फ परेशान नहीं हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपके मन में दुविधा है, आपके मन में प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है। किसी एक और इंसान के मन में भी सेम प्रश्न चल रहे हैं, सेम सिचुएशन में वो इंसान भी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उस इंसान को देख नहीं पा रहे हो। ओके, तो आपके लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है 3 से 15 तारीख के बीच में, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा एक बदलाव लाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू मुझे दिख रही है डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से इस टाइम पर मूव ऑन नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सिचुएशन से आपको भागना नहीं है, आपको अपना रास्ता बदलना नहीं है। अभी आप जैसा भी हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुके रहो, डिवाइन चेंज कर देंगे सब कुछ, अपने आप चेंज होता हुआ आप नोटिस कर पाओगे। अभी आपको गिव अप नहीं करना है, फाइन। आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये हीलिंग की बात करता है आपके लव लाइफ में। सो ये जो हीलिंग वाला पार्ट है, ये बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा। अगर आप अभी किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हो, या फिर कोई हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप इस टाइम पर थोड़े से टाइम के लिए पेशेंस अपने अंदर रखो। मतलब कि 8 तारीख तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है अपने अंदर। फिर 8 तारीख के बाद से चीज़ें नॉर्मल होता हुआ आपको दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद से आप जिनको भी प्यार करते हो, जिनको लेकर मैनिफेस्टेशन करते हो, जिनको पाना चाहते हो, वो इंसान खुद आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, खुद वो इंसान आपके तरफ
तरफ आएंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो वो इंसान खुद आएंगे आपकी तरफ। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है बहुत मिरेकल वे में होती हुई, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी देने की बात करता है, खुद को मजबूत बनाने की बात करता है, जो चाहिए उस चीज़ को हासिल करने की बात करता है। ओके, तो आपको इस टाइम पर किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना है। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं 3 से 15 तारीख के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। देख लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, 9 ऑफ गैब्रियल। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है पेज ऑफ एरियल। ब्यूटिफुल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ गैब्रियल है, मतलब कि यहाँ पर है स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। ओके, तो आपको इस टाइम पर जस्ट अपने काम को करने के लिए बोला जा रहा है। एक्स्ट्रा हेडेक लेकर, टेंशन लेकर आपको कोई भी फैसला अभी नहीं लेना है। डिवाइन आपको जस्ट अभी ठहरने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, आप जैसे चल रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जाओ, आपको पास्ट में पीछे घूम कर देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पीछे की किसी इंसान की पुकारने से आपको रुकना नहीं है। आने वाले टाइम में लव लाइफ के साइड से बहुत कुछ आपको फेस करने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी तरफ। तो आपको चीज़ के लिए ना थोड़ा सा प्रिपेयर रहने के लिए बोल रहे हैं मेंटली, एंड जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे, फाइन। एंड यहाँ पर है एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू, स्कॉलरशिप्स और परस्यूट ऑफ एजुकेशन, टाइम टू गेट टू वर्क। तो इस टाइम पर डिवाइन जो है ना, वो आपकी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर एक एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, आपको इस टाइम पर कुछ ऑफर प्रपोजल भी मिल सकता है, तो आपको इस टाइम पर खुश रहना है, अपने मन को जस्ट जितना हो सके हल्का रखना है। एंड आप देख सकते हो आपको इस टाइम पर कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर होते हो, किसी को भी धोखा देना आप लोग नहीं जानते हो, आप बस प्यार करना जानते हो। तो जिसकी वजह से इस टाइम पर ये रिवॉर्ड्स, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं लव लाइफ के साइड से। आपके साथ डिवाइन ना जस्ट अनफेयर नहीं करने वाले हैं, कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा आपके साथ। ओके, सो देख लेते हैं, जो भी इंसान आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से कुछ मैसेजेस हो सकता है, ये इंसान आपको बता नहीं पा रहे हैं ये सब। तो देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं जो भी आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए मैसेज, लव मैसेज। ओके, सो फाइन, फर्स्ट मैसेज यहाँ पर है, तेरी याद हर पल सताती है, अब दूरी मुझसे सही नहीं जाती है, माना हो गई गलती मुझसे, पर मेरे जितना तुम्हें कोई नहीं चाहती है। ओके, सो ये चाहती है, चाहता है, कुछ भी हो सकता है, बट यही मैसेज आ रहा है किसी एक इंसान की तरफ से, कि वो इंसान आपको बताना चाहते हैं कि कितना भी दूरी क्यों ना हो, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, एंड उनके जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, ये भी ये इंसान जानते हैं। ओके, ये आपको बताना भी चाहते हैं। एंड यहाँ पर हैं, शायद इसीलिए भी इश्क हमारे मुकद्दर में नहीं, क्योंकि मनाने का कुछ खास हुनर मुझ में नहीं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मनाना चाहते हैं, आपको प्यार जताना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान समझ रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, रूठे हुए हो। ये आएंगे आपके पास तो कैसे आएंगे, किस मुँह से आएंगे, इन्होंने जो भी किया है पहले इस चीज़ के लिए बेहद शर्मिंदा है। ओके, तो इस वजह से ये इंसान अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद को स्टक महसूस करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर हैं, बहुत बातें सोच रखे हैं तुम्हें सुनाने के लिए, पर एक तुम हो कि आते ही नहीं हो मनाने के लिए। एंड ये इंसान आपके लिए वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है इनकी ईगो काम कर रहा है, एंड हो सकता है इनका शर्म काम कर रहा है। ओके, तो ये इंसान अभी सोच रहे हैं कि अगर आप आते हो तो डेफिनेटली वो इंसान मान जाएंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, बट फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं। सो यस, यही है आपका रीडिंग लिब्रा। सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।